हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो अपने ब्रोंक्यूल के ट्यूब्स होते हैं, जिनका कि काम होता है कि माउथ और नोज से अंदर ली गई हवा को लंग्स तक पहुँचाना। तो इन ब्रोंक्यूल्स को अगर किसी भी वजह से या फिर ब्रोंक्यूल के ट्यूब्स को अगर किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन आ जाती है तो इस पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन को ब्रोंकाइटिस ऐसे कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रोंकाइटिस किस वजह से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इस सब बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस किस वजह से हो सकता है, इसके बारे में। ब्रोंकाइटिस होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है उस पेशेंट को वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। अगर किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को पैदा करने वाले बैक्टीरिया या फिर वायरस के कांटेक्ट में वो व्यक्ति आता है तो उसके वजह से उस पेशेंट में आगे जा करके ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही ब्रोंकाइटिस है, उस पेशेंट को पहले से कोई लंग इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट के लगातार ज़्यादा समय तक कांटेक्ट में रहने के कारण भी किसी भी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके बाद भी कुछ ऑक्यूपेशनल रीजंस भी होते हैं, कुछ इरिटेंट फैक्टर्स या कुछ केमिकल्स या फिर कुछ स्मोक भी हो सकते हैं कि जिनकी वजह से उस पेशेंट में ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन जो है उसको ट्रिगर किया जाता है। तो इस तरह से जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा समय तक आना या फिर कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना या फिर किसी भी लंग इन्फेक्शन के पेशेंट में ज़्यादा समय तक कॉन्टैक्ट में रहना, इन सभी कारणों की वजह से उस पेशेंट में ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, मतलब खांसने से या छींकने से ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन या उसको पैदा करने वाले वायरस बैक्टीरिया एक पेशेंट से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। ब्रोंकाइटिस का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है परसिस्टेंट कफ, मतलब कि उस पेशेंट को लगातार खांसी आती रहती है। इसके बाद उस पेशेंट को हल्का बुखार आता है, थोड़ी बहुत ठंड भी लगती है, इसके साथ उस पेशेंट के गले में दर्द होना, इसके बाद उस पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होना, पेशेंट सांस लेते वक्त व्हीजिंग की आवाज़ें आना, उसके बाद पेशेंट को सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, बदन दर्द होना, इसके साथ साथ पेशेंट के नाक और साइनसिस कफ के वजह से ब्लॉक हो जाना। तो ये कुछ पर्टिकुलर लक्षण हैं जो कि ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो अब बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जो भी पेशेंट रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं या फिर जिन भी लोगों को एलर्जी की कंप्लेंट रहती है, जो भी अस्थमा के पेशेंट है या फिर जिन भी लोगों को हमेशा बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते ही रहता है, तो इस तरह के जो भी पेशेंट है उन पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होने का खतरा बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो अगर इसको समराइज़ करें तो स्मोकिंग, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अस्थमा और एलर्जिक कंडीशंस ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो कि ब्रोंकाइटिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो ब्रोंकाइटिस का एक ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और वो कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का होने के चांसेस ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो ब्रोंकाइटिस को डायग्नोस करने के लिए जो भी टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। पेशेंट का पोस्टेरो एंटीरियर चेस्ट एक्सरे किया जाता है। इसके बाद उस पेशेंट के खून में ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब कि उस पेशेंट का SpO2 या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता है। पेशेंट की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी की जाती है। इसके बाद उस पेशेंट के कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है उस पेशेंट की स्पूटम स्वैब टेस्ट, जिसकी वजह से कि उस पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका पता चल जाता है। तो ये कुछ टेस्ट है जो कि ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दी जाती है इसके बारे में। तो पेशेंट को रेस्ट देनी है, बैलेंस्ड डाइट देनी है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। पेशेंट अपने कफ को कम करने के लिए या फिर बदन दर्द को या फिर हल्का बुखार आता है उसको कम करने के लिए ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस मिलते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंप्लेंट्स आ रहे हैं और ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेने के बाद भी कंप्लेंट्स कम नहीं आ रही है तो फिर उस पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर उस पेशेंट में खांसी बुखार बहुत ज़्यादा दिनों से है और कम नहीं हो रहे तो फिर उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने की भी ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली अगर उस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ है तो फिर उस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स 100% देने पड़ते हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ उस पेशेंट में कुछ सिम्टोमेटिक मेडिकेशन भी देने पड़ते हैं, जैसे कि फीवर के लिए पैरासिटामोल देना पड़ता है। उसके बाद उस पेशेंट को कुछ कफ सिरप्स या फिर कुछ म्यूकोलाइटिक या फिर कुछ ब्रोंकोडायलेटस मेडिकेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को खाने में हनी दे सकते हैं। हनी खाने की वजह से भी उस पेशेंट का जो थ्रोट इरिटेशन है वो कम होकर के उस पेशेंट में कफ की फ्रीक्वेंसी कम होने में मदद मिलती है।
इसके बाद उस पेशेंट को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। नेबुलाइजेशन के भी अंदर उस पेशेंट को एस्थेलिन या फिर ब्यूटेकॉर्ड का इस्तेमाल करके नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दे सकते हैं, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके बाद म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडायलेटर की मेडिकेशन भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर उस पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कि उस पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ उस पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंजेस भी फॉलो करने हैं, जैसे कि उस पेशेंट को कोई भी ज़्यादातर ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी बात, उस पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़नी है। और तीसरी बात, उस पेशेंट को रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं। तो आज इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बात की ब्रोंकाइटिस के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कोई डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो फिर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।